हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में फिलहाल हमको छोटी मोटी गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। हम देख सकते हैं इस गिरावट के साथ आईआरबी इंफ्रा 60.45 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। इससे पहले जब 64 के लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेकर काम कर रहा था, हमने कहा था कि मेजर सपोर्ट है 64 का लेवल, ब्रेक डाउन कर जाता है तो 60 तक की गिरावट दिखा सकता है। ऐसा डिस्कशन इससे पहले वीडियोस में हम कर चुके थे। मार्केट के गिरावट के साथ बड़ी गिरावट आई, 64 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ और स्टॉक 60 के लेवल पर ही सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। तो अब 60 का लेवल इसका आखिरी सपोर्ट मानकर चला जा सकता है। 58-60 का जो लेवल है इसका आखिरी सपोर्ट मानकर चला जा सकता है। एक अच्छा मौका बन सकता है अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो, एक अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन अगर स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है 60 के सपोर्ट को, तो 58 अगला सपोर्ट और 58 के सपोर्ट के ब्रेक डाउन के 54 से लेके 50 तक का फॉल दिखा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट है आईआरबी के लिए 58-60 का जो सपोर्ट है, 58-60 का सपोर्ट है, इसी के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है आईआरबी के लिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन मतलब बड़ी गिरावट, तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक बाउंस बैक आ करता है, रिकवरी दिखाता है, तो 64 जो इसका पहले मेजर सपोर्ट हुआ करता था, मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 64 का लेवल इमीडिएट टारगेट है। इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया स्टॉक तो वैसी कंडीशन में फिर रिकवरी की उम्मीदें बनेंगी। फिर नेक्स्ट टारगेट 68-70 का लेवल, और इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक में फिर 74 से लेके 78 तक का जम दिखा सकता है स्टॉक, फिर यहाँ तक के टारगेट हमको दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।